ब्रिजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से पहलवान संतुष्ट नहीं है। खासतौर से पहलवान विनेश फोगाट, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पुष्य मित्र उपाध्याय की कविता शेयर की है, जिसमें लिखा है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। उनके इस पोस्ट से समझा जा सकता है कि वो कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद पहली बार पहलवान विनेश फोगाट ने प्रतिक्रिया दी है। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर पुष्यमित्र उपाध्याय की कविता शेयर की, जिसमें लिखा है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दयुत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो। इस कविता से ऐसा लग रहा है कि ब्रिजभूषण पर चार्जशीट से विनेश फोगाट संतुष्ट नहीं है। वहीं छह पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को खत लिखकर एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप के ट्रायल 10 अगस्त के बाद कराए जाने की मांग की है। खत लिखने वालों में विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, सत्यव्रत कादियान, संगीता और जितेंद्र शामिल है। उन्होंने कहा है कि धरने की वजह से उन्हें 23 सितंबर से चीन के हांगझोउ में होने वाले एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप के ट्रायल की तैयारियों के लिए कुछ और वक्त की जरूरत है। मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ की एडहॉक समिति से पहलवानों की मांग पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करने को कहा है। एशियाई खेलों के लिए नाम के साथ एंट्री की आखिरी तारीख 15 जुलाई है। उधर दिल्ली पुलिस ने पहलवानों पर दर्ज FIR कैंसिल करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। पहलवान साक्षी मलिक ने शुक्रवार को साफ कर दिया था कि उनकी लीगल टीम की ओर से दिल्ली पुलिस की कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट को पाने के लिए एप्लीकेशन डाली गई है। चार्जशीट मिलने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा, इसके बाद ही पहलवान अपनी आगामी रणनीति बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चार्जशीट में ये भी देखा जाएगा कि उसमें लगाए गए चार्ज सही है या नहीं। सभी चीजें देखने के बाद हम अगला कदम उठाएंगे। वहीं कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 22 जून को है। DB लाइव की रिपोर्ट।